आज की क्लास का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वेल नोन है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि भारत पर सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाली यह एकमात्र संस्था रही है। यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कारनामों को हम लोगों को बहुत ही आराम से सिलसिलेवार तरीके से देखना होगा, समझना होगा कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक छोटी सी कंपनी थी जो 1600 ईस्वी के आसपास बनी, और कैसे देखते देखते अपने देश से 20 गुना बड़े देश के ऊपर शासन करने लगी, साथ में उस देश के ऊपर शासन किया जो उस समय वर्ल्ड जीडीपी में करीब करीब आपका 25% का योगदान रखता था। देखना है सारी इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे ये कन्वर्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से, और कैसे कैसे यह ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती गई, इस चीज को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आ रहा था वो किस प्रकार से था। तो यहाँ पर 16वीं सदी की बात करते हैं। 16वीं सदी में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा 16वीं सदी में दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 प्रोडक्ट भारत में तैयार होता था। अब आप समझ लीजिए, आज हमारा वर्ल्ड जीडीपी में योगदान करीब करीब आपका 2.7% के आसपास है, लेकिन 16वीं सदी की बात कर रहा हूं, 16वीं सदी दुनिया के टोटल प्रोडक्शन में 1/4 भारत में तैयार होता था, और यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब यहां पर देखिए और चीजें किस प्रकार से हमारी यहाँ पर चेंज हो रही हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके अलावा, तो दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था, यानी कि ब्रिटेन में गृह युद्ध छाया हुआ था, और यह मुख्यतः अगर बात करेंगे तो गृह युद्ध से उभरने वाली स्थिति में था। उसकी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी, और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% प्रोडक्ट वहां तैयार होता था। अब यहाँ पर स्थिति देखिए, यहाँ पर सीधा सा स्थिति में एक फेमस स्टेटमेंट के साथ आपको जोड़ता हुआ चलता हूं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है, जब यूरोपीय अफ्रीका में आए तो उनके हाथ में बाइबल थी, और जब वो अफ्रीका से जा रहे थे तो पता चला कि हर व्यक्ति के हाथ में बाइबल है, और पता चला सारी की सारी संपत्ति और जितनी जमीनें थी वो सब के सब यूरोपियनों के हाथ में थी। तो जिस समय आए थे ये यूरोपियन, उस समय अफ्रीकी लोगों के पास जमीनें थी, लेकिन हाथ में बाइबल लेकर आए, पता चला सबको बाइबल थमा दिया और सारी जमीनों पर अधिकार भी कर लिया। तो यहां पर भारत में भी वही स्थिति का आपको देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए, ब्रिटेन एक खेती बाड़ी पर निर्भर देश था। जिस समय ब्रिटिश भारत आए उस समय ब्रिटेन एक कृषि प्रधान देश था, और 200 साल के शासन के बाद पता चला कि भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया। तो यहां पर याद रखिए यह किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज को समझिए। इस पूरे के पूरे आर्टिकल को मैंने बीबीसी के कार्यक्रम से जोड़कर तैयार किया है, तो पूरा का पूरा जो ये पूरा स्लाइड शो आप देख रहे हैं, इसमें बीबीसी से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है। यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे, उसी दौर में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह कन्वर्सन हुआ होगा। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम का हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन लूट व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। अब आपको मैं बताता चलूं कि उस समय यूरोप का प्रमुख काम क्या था, या यूरोप प्रमुखतः किस रूप में जाना जाता था। तो यहां पर याद रखिएगा, यूरोप का मुख्य कार्य उस समय लूट मार करना होता था, और यहाँ पर जो इनका ऑक्यूपेशन था वह मुख्यतः लूट मार के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था। जिस आप वास्को डिगामा के बारे में जिक्र करते हैं कि जिसने 1498 में भारत की पहली यात्रा की थी, वह भी एक्चुअली एक लुटेरा ही था, वह भी एक समुद्री लुटेरा था, और वह लूटते हुए या लूटने के उद्देश्य से ही भारत आया था। यहां पर याद रखिएगा,
व्यापारियों के रूप में अगर बात किया जाए तो व्यापारी नहीं बल्कि इसे कह सकते हैं उस समय इनका लूट ही व्यापार हुआ करता था। तो ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूट कर ही संतुष्ट हो जाया करते थे। ये जो व्यापारिक जहाज हैं यह भी एक्चुअली लूट में ही लगे हुए थे। तो ये लूट वाले जहाजों को अगेन लूटने का काम करते थे और अंग्रेज इस प्रकार से सेटिस्फाइड हो जाया करते थे। 1576 में लिस्बन जा रहे एक जहाज को लूटा था अंग्रेजों ने, तब भारत जाने का नक्शा इनको मिला था। अदरवाइज भारत आने का नक्शा अभी तक केवल पुर्तगालियों के पास ही हुआ करता था। तो यहां पर लिस्बन जा रहे एक जहाज को लूट कर अंग्रेजों को पहली बार भारत आने का रास्ता मिलता है या नक्शा मिलता है। उस दौरान घुमंतू ब्रिटिश व्यापारी रॉल्फ फिच, इसे व्यापारी कहा जाता है, उसमें मैंने पहले ही बताया कि लूटमार ही इनका ऑक्यूपेशन था। तो रॉल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चलता है। यहां पर याद रखिएगा ये जो लूटमार करने का ऑक्यूपेशन इन लोगों का था, इसी क्रम में लूटमार करते हुए ये हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सारे जगहों की व्यापारिक यात्राएं करते हैं और भारत की समृद्धि के बारे में इनको पता चलता है। तो यहां पर याद रखिएगा भारत की समृद्धि, हालांकि अंग्रेजों को यह पता चल रही है कब में, 1576 में। पुर्तगालियों को कब पता चली, 1498 में भारत आने का रास्ता मिला जब वास्को डिगामा कालीकट तक पहुंचता है। और कालीकट में पहुंचने के बाद भी वह कालीकट के राजा जेमोरिन को मारकर उसकी सारी संपत्ति लूट कर भाग जाता है। अब यहाँ पर मजेदार चीज ये है कि अगर हम लोग बात करेंगे पहली शताब्दी का या उससे पहले अगर बात करेंगे 300 BC का या 250 BC का, तो याद रखिएगा सिकंदर के बाद सेल्यूकस राजा हुआ। तो सेल्यूकस का एम्बेसडर मौर्य काल में भारत में मेगास्थनीज नियुक्त था और उसके बाद भी अनेक काल में वहां के विभिन्न राजदूत नियुक्त हुए। तो यहां पर याद रखिएगा मध्य एशिया को भारत के बारे में जानकारी थी। यहां तक कि जो जीरो की बात करते हैं, ये जीरो कैसे इन्वेंट हुआ या कह या एक से लेके 2, 3, 4, 5, ये पूरा का पूरा जो हमारा नंबर सिस्टम है यह कैसे क्रिएट हुआ, इस चीज को भी समझिए। यह अरब में, अगर बात करते हैं अरब वर्ल्ड में 1, 2, 3, 4, 5, इसे हिंदसा कहा जाता है, इसे हिंदसा कहा जाता है, जबकि यूरोपियन वर्ल्ड में इसे अरबिक नंबर कहते हैं। अब यहां पर सीधा सा है, अरब से लेकर गए थे यूरोप, तो यूरोप में यह 1, 2, 3, 4, 5 यह अरबिक नंबर कहलाया, जबकि अरब में यह हिंदसा कहलाता है क्योंकि उनको पता था कि ये हम लोगों ने हिंद से सीखा है तो वह हिंदसा कहलाया। लेकिन जब अरब से, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत से गया यह अरब और अरब से गया है यूरोप, तो इससे पहले इन लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी गिनने में समस्या थी, यह भी ये प्रॉपरली गिन नहीं पाते थे। तो दशमलव और सूत्र ये दोनों की दोनों खोज भारत की है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा शुरुआत होता है। तो रॉल्फ फिच एक और व्यक्ति जो भारत के प्रति इंटरेस्टेड है। आगे चलेंगे, पूरब से मसाले हासिल करने के लिए लेवेंट कंपनी 2 बार नाकाम कोशिश कर चुकी थी। यहां पर याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा एक और कंपनी थी जिसे कहते हैं लेवेंट कंपनी। लेवेंट कंपनी 2 बार नाकाम कोशिश कर चुकी थी। अब भारत के बारे में रॉल्फिच की जानकारी के आधार पर एक अन्य घुमंतू सर जेम्स लैंकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रोफेशनल्स को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया। तो यहां पर याद रखिएगा अब रॉल्फिच की इंफॉर्मेशन के ऊपर सर जेम्स लैंकेस्टर, यह अब ब्रिटेन का व्यक्ति है, इसने 200 लोगों का एक ग्रुप बनाया और यह अब भारत से व्यापार करने के लिए तैयारी कर रहा है। ध्यान दीजिए, तैयारी चल रही है भारत से व्यापार करने की। आगे चलकर इसमें और भी खुलासे होंगे कि किस प्रकार का व्यापार होगा। इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी से पूर्व एशिया में व्यापार करने पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि
ईस्टर्न एशिया में अगर कोई ट्रेड करेगा तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी। यह अधिकार किसने दिया? महारानी ने दिया है। अब यहां पर इस कंपनी के कई नाम है, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना गया। उन नामों की चर्चा भी बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि और क्या क्या इसके नाम रखे गए हैं, तो यहां पर आप ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसे प्रोमिनेंटली आएंगे। अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंसन, यहां पर याद रखिएगा विलियम हॉकिंस, आप लोगों ने हॉकिंस प्रेशर कुकर सुना होगा, ये वही हॉकिंस ने भारत को के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डाला। कई बार यूपीएससी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछती है कि विलियम हॉकिंस भारत आया था किस जहाज से, तो याद रखिएगा उस जहाज का नाम था हेक्टर। तब किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुने बड़े, यानी कि ब्रिटेन से 20 गुने बड़े, दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और लगभग एक चौथाई आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। बिल्कुल, ये सरप्राइजिंग फैक्ट है, ये विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर इसे आश्चर्यजनक घटनाओं के क्रम में देखें तो यह नंबर वन पर रखा जाना चाहिए कि विश्व में अगर कोई आश्चर्यजनक घटना हुई तो ये विश्व इतिहास में पहली आश्चर्यजनक घटना थी जिसमें एक व्यक्ति, सॉरी एक राज्य जो अपने से 20 गुने बड़े राज्य के ऊपर अधिकार कर लेगा और दुनिया की एक चौथाई आबादी को अपने नियंत्रण में ले आएगा, और वह भी एक कंपनी के द्वारा। तो यह एक विश्व का सबसे अचंभित करने वाला घटनाक्रम है। अब यहाँ पर एक पिक्चर मैंने शो किया है आपको, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लॉर्ड क्लाइव को बंगाल की संपूर्ण दीवानी अधिकार सौंपते हुए। खैर चलिए, अभी उसका समय नहीं आया, बाद में देखेंगे ये क्या था। हॉकिंस एक वर्ष के भीतर ही मुगल राजधानी आगरा जा पहुंचा। यहां पर याद रखिएगा, हॉकिंस सीधे तौर पर आगरा जा पहुंचा। कम पढ़े लिखे हॉकिंस को जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। तो यहां पर याद रखिएगा, हॉकिंस को जहांगीर से, चूंकि अब अकबर का पीरियड खत्म हो चुका है और अकबर के बाद अगर बात करेंगे तो जहांगीर का शासन है। थोड़ा सा भारत की स्थिति भी समझ लीजिए, नॉर्थ इंडिया में एक बड़ी शक्ति दिल्ली में जो बैठी है वहां पर मुगल है, दिल्ली में अगर बात करेंगे तो मुगल हैं, वहीं पर अगर बात करेंगे राजपूताना तो राजपूताना में एक बड़ी शक्ति महाराणा प्रताप और उनके वंशजों की है। वहीं पर दक्कन में चले जाएंगे तो दक्कन में हमारे जो भी दक्कन के राज्य थे वो स्वतंत्र रूप से राज्य कर रहे हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, भारत का जो ट्रेड था वह पूरे के पूरे भारत में अगर देखेंगे तो अलग अलग प्लेस से वो अलग अलग वस्तुओं के ट्रेड के लिए जाने जाते हैं। बाद में उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, भारत में उस काल में मुख्यतः तीन प्रकार की शक्तियां थी। पहली शक्ति मुगल शक्ति, जो कि उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रही थी। दूसरा था जो कि आपका पश्चिम भारत पर राजपूतों की एक शक्ति हुआ करती थी, हालांकि इसमें से बहुत सारे राजपूत जा मिले थे मुगलों के साथ। और तीसरा था साउदर्न इंडिया में, जहां पर स्वतंत्र रूप से कई राज्य राज कर रहे थे और इनके ऊपर अभी भी मुगल हुकूमत का परचम नहीं लहराया था। यहां तक कि जब औरंगजेब इसके ऊपर कोशिश करेगा तो उसका पूरा का पूजा पूरा राजपाट भी चौपट हो जाएगा इस साउथ इंडिया को कैप्चर करने के चक्कर में। उसके बाद अगर बात करेंगे, संसद के सदस्य और राजदूत सर टॉमस रॉ को शाही दूत के रूप में भेजा गया। हॉकिंस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है, सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ 1615 में मुगल राजधानी आगरा पहुंचा। यहां पर याद रखिएगा, सर थॉमस रॉ थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा था और यह पहुंचता है मुगल बादशाह के दरबार आगरा में। उन्होंने राजा को बहुमूल्य उपहार भेंट किया जिसमें शिकारी कुत्ते, उनकी पसंदीदा शराब भी शामिल थी। यहाँ पर याद रखिएगा, मुगलों की एक बड़ी कमजोरी शराब हुआ करती थी, तो यहाँ पर एक बड़ी कमजोरी इनको पता था अंग्रेजों को कि इनकी शराब होती थी, तो उनको पसंदीदा शराब जो उनका पसंदीदा था वो प्रेजेंट किया गया, शिकारी कुत्ते वगैरह भी भेंट किए गए, ताकि इनका था अब यह है कि अब यह
राजा को खुश करना चाह रहे हैं क्योंकि हॉकिंस को सफलता मिली नहीं है, तो अब यहां पर कैसे इनको अनुमति मिलेगी। तो ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना जहांगीर की प्राथमिकता में नहीं था। देखिए मजेदार स्थिति है, ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना जहांगीर की यहां पर कोई प्राथमिकता प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। थॉमस रे के अनुसार जब भी बात होती तो बादशाह उससे व्यापार के बजाय घोड़ों, कलाकृतियों और शराब के विषय में चर्चा करने लगता। बस ऐसा ही है कि आप गए किसी से उधार मांगने के लिए और वह बता रहा है मौसम का हाल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये उसी प्रकार की स्थिति थी, क्योंकि इनसे कोई लेना देना जहांगीर को नहीं था और जहांगीर को पता था कि इनमें इतनी समर्थ नहीं है कि इनसे कोई व्यापार किया जा सके। तो इस अवस्था में वह इधर उधर की बातें करता था, अब सीधे तौर पर अब बेइज्जत करके भगाता नहीं था, ये बड़ी चीज है। जहांगीर चाहता तो बेइज्जत करके भगा भी सकता था कि भाई चल भागो यहाँ से, तुम्हारा जरूरत क्या है, लेकिन वो चलो इधर उधर की बातें करके ध्यान डाइवर्ट कर देता था कि चलो हटाओ भाई, क्या एक ही चीज का ये लोग रोता रोना रोता रहता है, चलो हम कुछ और बात करते हैं ताकि ये लोग दूसरी बार न आए। तो अंग्रेज एक बेशर्म जात होती है, याद रखिएगा, इनको जहांगीर को चाहिए था कि एकदम से बेइज्जत करके बाहर निकाल देते तो ज्यादा बेहतर होता, इनको रहने दिया गया इज्जत के साथ, ये गलती हो गई इन लोगों से। आगे देखिए और मजेदार विवरण है ये पूरा का पूरा। 3 साल तक लगातार अनुनय विनय करने के बाद सर थॉमस रो को इसमें सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पर ये जो व्यापारिक समझौता है ये बड़ा मजेदार समझौता था। इस समझौते में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा कि मैं जो उपहार लेकर आऊंगा आपके लिए, आप उसे नकारेंगे नहीं, आप उसे स्वीकार कर लेंगे। मतलब इस समझौते में ये बताया जा रहा है, राजा से रिक्वेस्ट कर रहा है जहांगीर से कि हम जो उपहार देंगे आप उसे फेंकेंगे नहीं और भगा नहीं देंगे। तो यहाँ पर स्थिति ये है, तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी उस समय अंग्रेजों की, और अभी आपको और भी पोल खुलता जाएगा कि ये किस प्रकार की थी। तो 3 साल तक अनुनय विनय करने के बाद अंततः आपका 1611 में एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों का उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह और खरीदने और बेचने के लिए जगहों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। यानी कि हर एक बंदरगाह से कुछ चीजें खरीद बेच पाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, यूरोप में कुछ होता नहीं था, ब्रिटेन में कुछ होता नहीं था, बदले में यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा किया गया, लेकिन बेचारा के पास कुछ था ही नहीं, क्या लेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर कोई लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो यहाँ पर सीधा सा है कि ब्रिटेन कंपनी और आपका सीधे तौर पर ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को यहाँ पर अब बंदरगाहों पर सामान खरीदने और बेचने की छूट मिल गई। अब ये लोग क्या करते थे, सामान खरीदते थे यहाँ और ले जाकर ब्रिटेन में बेचते थे ऊंचे और महंगे दाम पर, इनका ये मुख्यतः कार्य यही था। साल 1617 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब 1670 में एक नई चीज हुई जिसमें ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय, ये चार्ल्स द्वितीय अधिकार दे रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि विदेश में तुमको युद्ध लड़ना है लड़ो और वहां पर अपना उपनिवेश कॉलोनीज को स्थापित करो। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से आया, हालांकि इससे भारत में कोई अंतर पड़ने वाला तत्काल में नहीं था। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों का मुकाबला किया और अधिकांश युद्ध जीते। धीरे धीरे उसने बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो शुरुआत यहाँ पर बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह जो डच हैं, फ्रेंच हैं, पुर्तगीज हैं, ये इनके राइवल्स थे, तो इनके साथ युद्ध शुरू होता है। तो लूट के माल में अब हिस्से की सवा भागीदारी की बात है कि लूट के माल में कौन सबसे बड़ा भागीदार बनेगा, तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है और कुछ नहीं। कोई खास वैसी चीज नहीं है जिसे आप ट्रेड कह पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जगह से सामान खरीदना है और ब्रिटेन में ले जाकर बेचना है। और साथ में अब यहाँ पर है कि ब्रिटेन का प्रतिस्पर्धा आपस में यूरोपियन शक्तियों, पुर्तगीज, डच और फ्रेंच के साथ भी है। अब यहां पर देखिए, 1681 में कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के निदेशक सर चाइल्ड से शिकायत की
कि बंगाल में मुगल बादशाह और औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खां के अधिकारी उन्हें कर तथा अन्य मामलों में परेशान करते हैं। तो यहां पर कंपनी के निदेशक सर चाइल्ड से यह शिकायत की गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा। किसकी की गई है? औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खां। यहाँ पर 1681 की बात है, तो 1681 में शाइस्ता खां की शिकायत की गई। शिकायत की गई है तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन का सम्राट भी कुछ करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखिए, सर चाइल्ड ने सैन्य सहायता के लिए अपने सम्राट को पत्र लिखा। इसके बाद 1686 में 19 युद्धपोतों, 200 तोपों और 600 सैनिकों वाला एक नौसैनिक बेड़ा लंदन से बंगाल की ओर रवाना हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आ रहे हैं ये लोग हमला करने के लिए कितने? 600 सैनिक। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या सामरिक स्थिति होगी। तो एक नौसैनिक बेड़ा लंदन से बंगाल की ओर रवाना होता है 1686 में। तो 1686 में 200 तोपों के साथ 19 युद्ध पोतों में, ये युद्ध पोत भी कोई बड़े बड़े युद्ध पोत नहीं थे, छोटे छोटे थे, जिसमें 19 में से, अब आप इसको 20 मान लीजिए, 600 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सा एक में 30 लोग सवार हो सकते थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे रहे होंगे। अगर आप बंगाल वगैरह में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि 30 की कैपेसिटी वाले कितने, इस करना प्रकार के नाव होते हैं या किस प्रकार के ये चीजें होती हैं यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक एक नाव में 30-30 सैनिक लेकर यह युद्ध पे चले थे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, मुगल बादशाह की सेना भी तैयार थी। तैयारी के लिए कोई वैसा कोई विशेष था नहीं, इसलिए युद्ध में मुगलों की जीत हुई। और 1695 में ब्रिटिश समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने औरंगजेब के समुद्री जहाजों फतेह मोहम्मद और गुलाम सवई को लूट लिया। अब यहां पर याद रखिएगा, ब्रिटिश समुद्री डाकू, अब यहां पर ब्रिटिश समुद्री डाकू, ये ब्रिटिश इतिहासकार ही लिखते हैं इनको। अब यहां पर याद रखिएगा, चूंकि इनका मूल पेशा जो था अभी तक लूटमार करना ही है, तो हेनरी एवरी ने औरंगजेब के समुद्री जहाजों फतेह मोहम्मद और गुलाम सवई को लूटा है। इस खजाने की कीमत करीब करीब 6 से 7 लाख ब्रिटिश पाउंड थी। 6 से 7 लाख ब्रिटिश पाउंड की कीमत का ये जहाज लूटे गए थे। अब यहीं पर इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल का कहना है कि ब्रिटानी सैनिकों को मुगल सेना ने मक्खियों की तरह मारा। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल का कहना है, यह खुद भी ब्रिटिश है, वह कहता है कि ब्रिटानी सैनिकों को मुगल सैनिकों ने मक्खियों की तरह मारा, यानी कि एकदम से पकड़ के धो दिया गया ये सारे के सारे। अब आगे देखिए, सूरत के कारखाने को बंद कर दिया गया और बंबई में भी उनका यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीर में जकड़कर शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह उन्हें अपमानित किया गया। तो अपराधी तो थे ही, ये लूटमार के आरोपी थे, तो निश्चित तौर पर इनको यही किया जाना था। अब कंपनी के पास माफी मांगने और अपने कारखानों को वापस पाने के लिए राजा के दरबार में भिखारियों की तरह उपस्थित होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अब यहां पर याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और मुगल बादशाह से माफी मांग ली। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और मुगल बादशाह से माफी मांग ली। यह बीबीसी के एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। तो ये बीबीसी के एक आर्टिकल से ही मैं आपको बता रहा हूं, ये भारतीय इतिहास में इस घटना का जिक्र नहीं है। कारण यहाँ पर समझिए, जो हमारा इतिहास पूरा लिखा गया है उसको लिखवाया है अंग्रेजों ने, तो अपने से वो कहीं नहीं लिखते हैं कि हम लोगों ने माफी मांगी या हमारे राजा ने माफी मांगी। लेकिन जो बीबीसी के रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये अपनी एक आर्टिकल में इस चीज को पब्लिश किया है हाल के दिनों में। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या थी। अब हेनरी एवरी की निंदा की जाती है और मुगल बादशाह से माफी मांगता है कौन? ब्रिटिश क्राउन यहां पर।
औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को माफ कर दिया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदती थी। अब यहां पर याद रखिएगा, 1690 में औरंगजेब ने तो माफ कर दिया, अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ कुछ रिलेशन भी देख लेने हैं। जो चीन से यह रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदती थी, सामान का भुगतान उन्हें चांदी में करना पड़ता था। अब यहां पर देखिए, जो चीन से सामान खरीद रहा है, रेशम और चीनी मिट्टी का बर्तन, उसके लिए पेमेंट करता था चांदी में, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई उत्पाद नहीं था जिसकी चीन में आवश्यकता हो। अब ये जो पैसा, ये चांदी आ रहा है, ये कहाँ से आता था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह विभिन्न स्थानों से, अफ्रीका के अलग अलग जगहों से या अन्य जगहों से, यह उपनिवेशों से गुलामों को बेचा करते थे। तो गुलामों को बेचने से इनके पास चांदी आती थी, और उसी चांदी को यह अब रेशम और चीनी की मिट्टी इत्यादि के बर्तनों खरीदने में लगा रहे थे। तो गुलाम को बेचकर यह आती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे। अब इसका उपाय निकाला गया एक और, बंगाल में पोस्ते की खेती की गई और बिहार में अफीम के निर्माण करने के लिए कारखाने लगाए गए, और इस तरह अफीम की तस्करी के जरिए चीन पहुंचाया गया। यहाँ पर याद रखिए, चीन वाले अफीम नहीं खाते थे। अब अफीम नहीं खाते थे, लेकिन ये लोग कुछ बेच ही नहीं सकता था चीन को। ये स्थिति इनकी थी कि ये लोग कौन सा प्रोडक्ट चीन को बेचते। तो यहाँ पर जो ट्रेड की इक्वलिटी की बात आती, तो ट्रेड इक्वल हो नहीं सकता, क्यों? जो इनको चाहिए रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन, चीन को वो कुछ नहीं चाहिए, और जो ब्रिटेन में उत्पादन होता था वो कुछ होता ही नहीं था, तो वो बेचेंगे और देंगे क्या? तो समस्या इनके लिए ये थी। तब इन्होंने उपाय निकाला कि भाई अफीम बेचो। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी विश्व की पहली स्मगलर और ड्रग्स माफिया थी। यहाँ पर याद रखिएगा, पोस्ता आप लोग खाने के ये में यूज करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी विश्व की पहली ड्रग माफिया थी, जो चीन में आधिकारिक रूप से ड्रग बेचने को गई। अब यहां पर और देखिए, उस समय तक चीन में अफीम का बहुत कम प्रयोग किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी एजेंटों के माध्यम से लोगों के बीच अफीम को बढ़ावा दिया। ये लोग अफीम को बढ़ावा दे रहे थे चीन में, ताकि अफीम बेच सके चीन को। तो कंपनी ने अफीम के व्यापार से रेशम और चीनी बर्तन भी खरीदे और मुनाफा भी कमाया। अब लोगों को नशे की लत लगाकर यह काम करना शुरू करते हैं। अब जैसे पूरा का पूरा ड्रग्स दाऊद इब्राहिम बेचता है, आपको भी पता है, मुंबई और भारत के विभिन्न इलाकों में। तो यहाँ पर ये दाऊद इब्राहिम के भी दद्दा हैं, कह सकते हैं आप लोग कि दाऊद इब्राहिम का जो परदादा जी थे, वो थे अंग्रेज, जो सबसे पहले अफीम की स्मगलिंग का शुरुआत किया था चाइना में। जब चीनियों ने अफीम खरीदने से इनकार कर दिया, तो ब्रिटानी जहाज नेमेसिस ने कैंटन बंदरगाह को बर्बाद कर दिया। यहां पर याद रखिएगा, ब्रिटानी जहाज है आपका, अब ये जो ब्रिटानी जहाज है, इसने, नाम भी इसका ध्यान रख लेंगे, नेमेसिस ने कैंटन बंदरगाह, कैंटन बंदरगाह कहाँ का बंदरगाह है? चीन का बंदरगाह है, इस कैंटन बंदरगाह को बर्बाद कर दिया। तो आप समझिए कितना यह महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएससी के लिए निकलता है। अब यहाँ पर देखिए, चीनी सरकार ने अफीम का व्यापार रोकने की कोशिश की और चीन आने वाले अफीम को नष्ट किया गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, चीनी सरकार जागरूक होती है, अफीम के व्यापार को रोकने का प्रयास करती है, और चीन आने वाला अफीम नष्ट कर दिया गया। तब चीन और ब्रिटेन के बीच में कई युद्ध हुए, जिसमें चीन की हार हुई और ब्रिटेन ने एक अपमानजनक शर्तों पर चीन के साथ कई समझौते किए। अब यहाँ पर देखिए, वो अंग्रेज जिसे मुगल भारत में अच्छे तरीके से धो धो के पीटा था, वो जाके हरा देता है चाइना को। अब आप समझिए, चाइना उस समय भी एक बड़ा देश था, और उस बड़े देश को हराने का काम अंग्रेज करते हैं। तो आप चाइना की स्थिति या उसकी ताकत समझ लीजिए, कि भारत के मुगलों ने पीट दिया किसे? अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने पीट दिया चीन को। अब आप समझ सकते हैं कि चीन की क्या आधिकारिक उस समय शक्ति रही होगी, और साथ में अपमानजनक समझौता भी चीनियों को करना पड़ा।
इस प्रकार से नष्ट किए गए अफीम का मुआवजा भी अंग्रेजों ने वसूला, उनके बंदरगाहों पर कब्जा भी किया और हांगकांग पर ब्रिटिश आधिपत्य इसी श्रृंखला की एक कड़ी था। तो इसी क्रम में हांगकांग के ऊपर भी ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है। तो आप चीनियों की स्थिति भी उस समय देख लीजिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रिटेन की तो ये स्थिति थी कि वो कृषि प्रधान देश था, लेकिन दूसरे साइड में बात करेंगे तो चीन की क्या स्थिति थी। तो चीन की स्थिति ये थी कि वो ब्रिटिश से पिट जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत उस समय भी सुप्रीम पावर था पूरे वर्ल्ड में। जब चीनी सरकार ने विरोध में महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखकर अफीम के व्यापार रोकने में मदद की तो अपील की, तो उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। क्यों आता जवाब? क्योंकि इसकी कमीशन तो महारानी विक्टोरिया भी खा रही थी अफीम बेचकर। अफीम बेचने से जो इनकम हो रही थी उसकी कमीशन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भी खा रही थी, तो कैसे वो विरोध करती। तो चीनी सरकार ने जब ब्रिटेन की महारानी से अनुरोध किया कि भाई आप अफीम का व्यापार बंद करवाइए, उस पत्र का कोई जवाब पिक महारानी विक्टोरिया ने नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं नैतिकता का पतन अंग्रेजों का कितना ज्यादा था। साल 1707 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब यहाँ पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो भारत में विविध शक्तियां उठ खड़ी होती हैं, क्योंकि औरंगजेब ने एक ऐसी सल्तनत चलाई थी जिसमें उसने अपने केवल विरोधियों को ही खड़ा किया था। अभी तक अकबर, जहांगीर, शाहजहां के काल में एक प्रकार से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बाबर से यह नीति शुरू होती है। बाबर ने अपने मृत्यु के समय हुमायूं को यह कहा था कि देखो यह देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो इन लोगों के साथ मिलकर काम करो तभी तुम इस राज्य में रह पाओगे, क्योंकि तुम वापस अफगानिस्तान जा नहीं सकते। अफगानिस्तान जाओगे तो तुम्हारे जैसे वहां गली गली में भरे पड़े हुए हैं। तो तुम राज कर सकते हो यहाँ, लेकिन कब कर पाओगे? जब इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहोगे तभी। अगर तुम इनके ऊपर आधिपत्य जमाना चाहोगे तो निश्चित तौर पर तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे। तो तुमको टिकना है तो यहाँ के स्थानीय लोगों से संबंध बेहतर करने पड़ेंगे। और इसी हुमायूं की इसी नीति का जो परिणाम है वह अकबर की नीति में देखने को मिलता है कि अकबर ने राजपूतों की सहायता से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और मुगल साम्राज्य में जहांगीर और शाहजहां दो ऐसे बादशाह हुए जिनके दौरान में आम तौर पर हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वो धीरे धीरे स्थापित होने लगी थी। लेकिन औरंगजेब के काल में स्थितियां उल्टी हो गई। नतीजा औरंगजेब ने न सिर्फ हिंदुओं को भड़का दिया बल्कि हर एक क्षेत्र में उसकी मृत्यु के उपरांत विद्रोह शुरुआत हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा, कंपनी ने इन स्थितियों का लाभ उठाते हुए लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों की भर्ती कर ली। यहां पर याद रखिएगा, लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों की भर्ती कर ली। अब यहां पर चूंकि सेनाएं टूट गई हैं तो यहां पर इनको कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए, लेकिन यहां पर आपको ये समझना होगा कि आम भारतीयों की स्थिति किसी ब्रिटिश से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहां पर अब इन लोगों के भर्ती होने का क्या है, अब भर्ती क्यों हो रहे हैं इनकी सेना में, इस चीज को भी समझिए। क्योंकि एक बड़ी क्षेत्र के ऊपर इनका अधिकार हो चुका है और अंग्रेजों ने इसी अवस्था में अगर देखेंगे तो छोटे छोटे जो पॉकेट्स में ये लोग घुस गए हैं वहां पर इन्होंने पूरा का पूरा आर्थिक माहौल बर्बाद कर दिया है। नतीजा इन्होंने अपनी एक आर्मी बनानी शुरू कर दी है। अब यहां पर देखिए, यूरोप में होने वाले औद्योगिक क्रांति के कारण युद्ध तकनीक में भी वो दक्ष हो गए। यह छोटी लेकिन प्रभावी सेना एक के बाद एक पुरानी तकनीक से लैस मुगलों, मराठों, सिखों और स्थानीय नवाबों की बड़ी सेनाओं को हराती चली गई। तो यहां पर याद रखिएगा, इन्होंने जो हराया है वह एक्चुअली भारतीयों के समर्थन से ही हराया है। तो एक भारतीय दूसरे भारतीय को मार रहे थे, बस उन्हें हायर करने वाला अंग्रेज था। यह बीच में एक नई चीज थी। अब बात करते हैं 1756 में। नवाब सिराज दौला भारत का सबसे धनी अर्ध स्वायत्त राज्य बंगाल का शासक था। मुगल शासन के राजस्व का 50% इसी राज्य से आता था। यहां पर याद रखिएगा, मुगलों का जो रेवेन्यू था वह 50% इसी शासन से आया करता था। बंगाल न केवल
भारत में बल्कि पूरे विश्व में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल पूरे के पूरे विश्व में कपड़ा तथा जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। तो इस चीज को बहुत आराम से अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर अब बंगाल 50% रेवेन्यू दे रहा है पूरा मुगल एम्पायर को। अब 50% रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था। इस क्षेत्र के लोग रेशम, सूती वस्त्र, इस्पात, पोटेशियम नाइट्रेट, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करके अच्छी कमाई करते थे। तो बंगाल के लोगों के बारे में बात हो रही है, रेशम, सूती वस्त्र, इस्पात, पोटेशियम नाइट्रेट, एग्रीकल्चर तथा इंडस्ट्रियल वस्तुओं का निर्यात करके अच्छी कमाई कर रहे थे। कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना शुरू किया और अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि शुरू कर दी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत से ही इन्होंने अपना पूरा का पूरा लाभ कमाया है और उस पैसे को अब खर्च कर रहे हैं आर्मी खड़ी करने में। नवाब ने कंपनी को संदेश भेजा कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार न करे। यहाँ पर सिराजी दौला की बात कर रहे हैं। सिराजी दौला ने आदेश दिया कि कंपनी अपना विस्तार न करे। आदेशों की अवहेलना के बाद नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के तहखाने में बंद कर दिया गया। तो शुरुआती दौर में नवाब को सफलता मिलती है और वह बंद कर देता है सारे ब्रिटिशर्स को फोर्ट विलियम में, बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 प्लासी की यहाँ पर प्लासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच में अगर अंतर देखेंगे तो कितना था। कंपनी की सेना में महज 350 सोल्जर्स थे, जबकि नवाब की सेना में 16,000 सोल्जर्स थे। लेकिन तोपों की अधिकता ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता था, क्योंकि 350 तो लोग ही थे, तो 350 से ज्यादा तोपे तो होंगी नहीं। और दूसरा, मुख्यतः मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेज विजयी हुए। तो मीर जाफर के अलावा जगत सेठ था, तो ये जो लोग थे, इन लोगों ने गद्दारी करके सिराजी दौला को हराने का काम किया। मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बैठा दिया गया। तो यहां पर याद रखिएगा, जो सेनापति था उसने ही यह विश्वासघात किया था और अपने 16,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करा दिया था अंग्रेजी सेना के सामने, जो कि महज 350 थे। बाद में तीसरे दिन यह 16,000 सैनिक कत्ल कर दिए गए। तो आप समझ सकते हैं, पूरी की पूरी सिराजी दौला की फौज को बर्बाद कर दिया गया। अंग्रेज अब मीर जाफर से मालगुजारी वसूलने लगे। इस प्रकार भारत में लूटपाट का युग आरंभ हुआ। तो यहां पर याद रखिएगा, भारत में लूटपाट का एक नया युग आरंभ होता है। अभी तक जो लूटपाट होती थी वह असंगठित थी, अब यह संगठित लूट शुरू हुआ। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली। लेकिन 1759 में, फिर 1764 में विजय के बाद कंपनी ने बंगाल के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। तो 1759 और 1764 में दोनों बार